हर चीज़ मैंने खुद कैसे सीखी वॉट आर द स्टेप्स आई टुक एंड अगर आप भी सीखना चाहो हाउ यू कैन गेट वन ऑफ द हाइएस्ट पेड जॉब रिलेटेड टू मोबल ऐप डेवलपमेंट राइट नाउ इन ट्वेंटी ट्वेंटी जस्ट लाइक एवरी मिडिल क्लास स्टूडेंट जर्नी की शुरुआत होती है रिसोर्सेज से जब भी मैं सोचता था कि मुझे आई ओ एस डिवेलपमेंट करनी है आईओ एस एप करनी है आईफोन तो दूर की बात मैकबुक भी नहीं थी फर्स्ट स्टेप इज टू हैव अ मैकबुक पर तब जुगाड़ मैंने यूज़ किया था आई ट्राई टू इंस्टॉल हैकिंग टॉश इन माई विंडोज़ लैपटॉप तो विंडोज़ लैपटॉप में मैंने डाला ऐप बनाने की कोशिश की पर मज़ा नहीं आया मैंने एक दो दिन ट्राई किया फ़ील नहीं आई क्योंकि मुझे लगता था कि फ़ील तभी आती है जब आप एक फिज़िकल डिवाइस में ऐप इंस्टॉल करते हो आप फील कर पाते हो आप पर इम्यूलेटर में या फिर इन आई ओ एस यू कॉल इट सिम्यूलेटर फील नहीं आ रही थी ऑफ डूइंग आई ओ एस सो आई क्विट इट मैंने कहा कि मैं वेट करूँगा आई वेट टू गेट अ मैकबुक बुक एंड देन ओनली आई गो गो इट, एंड उस दिन को आते आते दो साल लग गए देन आई वॉज इन माई सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज मैंने एक वीडियो भी बनाई थी वो आई आई बॉड टू थाउजेंड एट हंड्रेड लैपटॉप इंस्टॉलमेंट्स में, में मैंने ख़रीदा मैंने कहा कि वर्थ इट होगा तब यूट्यूब मैंने स्टार्ट ही किया था कुछ यूट्यूब से इनकम आती नहीं थी दॉज ऑल माई ऑन कैंपस जॉब उसके थ्रू इंस्टॉलमेंट से मैंने किया आई हैड कट डाउन ऑन माई लिविंग एक्सपेंसिस एंड मैंने कहा कि हाँ अपने पे इन्वेस्ट करूँगा जो चीज़ें मुझे अपनी स्किल्स में बेटर बना सकती है उसमें इन्वेस्ट करूंगा अपने कंफर्ट लिविंग कम्फर्ट को फूड को भी चलो वह सेक्रीफाइस कर लूंगा उससे मैंने कई हैकेथ में ज्यादा खुल के पार्टिसिपेट किया एंड्रॉयड डेवलपमेंट की स्पीड काफी बढ़ गई एंड आई कुड फाइनली गेट इन टू आयोस डेवलपमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है आपको खुद बताऊँगा कि हैकेश अगर आपके विंडोज लैपटॉप में डालते हो तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा पर मुझे फील नहीं आ रही थी आई फेल्ट लाइक स्पेंडिंग अब तब मैंने कुछ ऐसी फर्स्ट ऐप बनाई थी फेस रिगार्डिंग डिटेक्टिंग आप फेस डिटेक्ट कर सकते हो और वो स्पीच में कन्वर्ट कर देगी एक सिंपल सी ऐप थी के लिए अगर कोई ब्लाइंड है उसे दिख नहीं रहा क्या हो रहा है बनाना बनाना सो इट टेल्स यू एवरी थिंग यूजिंग दैट ऐप जो हमने पहली ऐप बनाई एट एके इट वॉज ऑल टीम एफर्ट एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट तो यहाँ से शुरुआत हुई जर्नी एंड ये ऐप मैंने बनाई थी विद जीरो आई ओ एस डेवेलपमेंट एक्सपीरियंस एंड सिर्फ टीम में हैकेथन में एक दूसरे से सीख के हमने 24 फोर आवर्स में ये प्रोजेक्ट बनाया मेरे पास जीरो स्किल्स थी वन सेकेंड मुझे सिर्फ एंड्रॉयड डेवलपमेंट आती थी और आई बिल्कुल भी नहीं आती थी एंड ये चीज़ मैं आपको इनडेप्थ इस कारण बता रहा हूँ कि आजकल के वर्ल्ड में अगर आप कहीं पर भी जॉब रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हो फ एग्जाम्पल इफ यू रीड द जॉब रिक्वायरमेंट्स टू बिकम एन आई ओ एस डिवेलपर आपको कहीं पर यह लिखा नहीं आएगा कि आपको यही लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक्स वाई जी कंपनी पे एनहेंस पे देखोगे यहाँ पे लिखा है यू शुड नो एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज लाइक ऑब्जेक्टिव सी सी प्लस प्लस सी शाप जावा एंड इवन फेसबुक मेट ऑप पर भी यही लिखा हुआ है कि आपको ऑब्जेक्टिव सी या फिर स्विफ्ट आनी चाहिए और मैं आपको ये सब ये इस कारण बता रहा हूं कि आजकल ये जो स्किल्स हैं आईओ एस डिवेलपमेंट एंड्रॉयड डेवेलपमेंट सब कुछ आप ऑनलाइन विद इन चार सौ पाँच सौ रुपये में सीख रहे हो कोई ऐड नहीं आने वाली आपको बता रहा हूँ कि आप यूट्यूब में जाओगे फोर हंड्रेड रुपीज में आपको कोर्स मिल जाता है पर वो कोर्स आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा बट डोंट थिंक कि वही कॉन्सेप्ट आपके इंटरव्यू में यूज होंगे वही कॉन्सेप्ट आपके रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में यूज होंगे क्योंकि वेन यू बिकम अ प्रोग्रामर यू शुड थिंक कि आप लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो दैट शुड बी द मेंटेलिटी ऑफ प्रोग्रामर एंड आई कैन प्राउडली से कि मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक खुद कॉन्सेप्ट सीखे एंड आई वॉज एबल टू गेट द प्रोजेक्ट टास्क डन ऑन टाइम तो अब कंटिन्यू करते हैं जर्नी तो पहला प्रोजेक्ट था मेरा हैकेथन पर एंड उसके बाद मैंने आई ओ एस डिवेलपमेंट से ब्रेक ले ली मैंने प्लेसमेंट का प्रिपेयर किया एंड्रॉयड पर ज़्यादा ध्यान दिया स्कूल का वर्क ज़्यादा बढ़ रहा था एंड उसके बाद मैंने अपनी फुल टाइम जॉब स्टार्ट की एज एन एंड्रॉयड डेवलपर आई ओ एस नहीं स्टार्ट की क्योंकि आई ओ एस में इतना एक्सपीरियंस नहीं था ज़्यादा एंड्रॉयड पर ही फोकस रखा क्योंकि एंड्रॉयड फ्री था आपको एप्स पब्लिश करनी हो तो ट्वेंटी फाइव डॉलर लगते हैं आप जितने मर्जी एप्स

बड़ी टीम में भी जा सकते हो छोटी टीम में भी जा सकते हो तो हर तरह आप मूव कर सकते हो बाय टेकिंग परमिशन फ्रॉम योर मैनेजर तो मैंने भी ये किया कि हमारा अगर एंड्रॉयड प्रोजेक्ट है तो आई प्रोजेक्ट साथ, साथ ही चल रहा था मैंने वहाँ की टिकट्स वहाँ का प्रोजेक्ट खुद उठा लिया डर लगा बहुत डर लगा मैंने कहा कि एक छोटा सा बग उठाते हैं कितना का मुश्किल होगा एक उठा लेते हैं एंड आई स्पेंड वन वीक ऑन अ सिंपल बग जिसका आंसर सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड से ठीक हो जाता था मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे एक्चुअली सबसे पहले तो नर्वसनेस हुई कि वाई एम सो स्लो टेक्स सो लॉन्ग और मुझे पहले तो अच्छा भी लगा कि हाँ मुझे एक एनवायरमेंट मिल गया है जहाँ पर मैं सीख सकता हूँ और तब कोविड चल रहा था किसी से हेल्प मांगना आईओएस में जब मुझे जीरो नॉलेज है इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत हिचकिचाहट सी होती थी कि हाँ यार पहले तो मैं आपका प्रोजेक्ट सीख रहा हूँ और आपका आपसे इतनी हेल्प मांग रहा हूँ सो so, अजीब सा लगता था यार कि कैसे मांगू सो so, इस कारण आई जस्ट डेल्ट विद मैंने कहा कि इसकी प्रायोरिटी कम है खुद सीखते हैं उन्होंने बग दिया एंड आई स्पेंड वन वीक एंड आई वॉज एबल टू डू इट और मैंने वो एक बग सॉल्व करने के लिए तकरीबन 10-15 चीजें आई ओ एस डेवलपमेंट की सीख ली जो कि आउटडेटेड थी जो कि अगर आप ऑनलाइन किसी कोर्स में जाओ फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूबिंग के कोर्स में जाओ वहाँ पे स्विफ्ट यू आई नई नई चीज़ें आई ओ एस डेवलपमेंट के रिलेटेड सिखा रहे हैं इनफैक्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी वेलेंटाइंस डे पे अबाउट मेकिंग माई फर्स्ट आई ऐप वो मैंने स्विफ्ट यू आई बनाई थी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर रियलिटी ये है कि आजकल अभी भी 40% ऑफ द कंपनीज -C use Agar -C आपको नहीं आती तो आप वहां के में इजीली फिट नहीं हो सकते मैंने खुद -C में उनके साथ फीचर्स एड किए उस ऐप में ये, ये चीजें की तो ये आपको रियालिटी बता रहा हूं कि अगर आप कोई भी आज ऑनलाइन कोर्स ले लेते हो तो दैट मीन की यू नो एवरी अबाउट दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अबाउट दैट डेवलपमेंट एनवायरमेंट आईओ हो एंड्रोइ हो आप स्कॉटलैंड का कोर्स ले लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जावा में भी इजीली बना पाओगे हां कॉन्सेप्ट सेम है पर आप स्ट्रगल थोड़ी बहुत जरूर करोगे सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ वॉट आर द लैंग्वेजेज यू कैन स्पीक आप एटलीस्ट बोलोगे हिंदी इंग्लिश और इनफैक्ट अगर मैं आपसे पूछू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटालिका विभिषिका खुद तो शायद आप मतलब ना बता पाओ इवन दो यू नो हिंदी डू नो वाई बिकॉज एक बंदे को कंप्लीट नॉलेज एक लैंग्वेज में कभी हो ही नहीं सकती सो दैट्स वाई एम टेलिंग यू चाहे आप किसी कोर्स में सीख लो चाहे आप एक एक कॉन्सेप्ट सीख लो तो भी आई कैन गारंटी यू विल नॉट नो एवरीथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट एप डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कुछ भी हो सो दैट्स वाई यू शुड हैिटी कि आई एम अ प्रोग्रामर आई कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम एंड आई कैन लर्न क्विकली तो मैंने भी यही किया अपने इंटर्नशिप में अपनी फुल टाइम जॉब में एंड्रॉयड तो कर ही रहा था साइट पे एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट पकड़ा खुद सीखने की कोशिश की ए टू जेड उनका प्रोजेक्ट समझा कोड बेस समझा एक एक चीज़ सर्च की कि हाँ अगर यहाँ पे एक यूआई जो स्टोरी बोर्ड में बना है वो कैसे बनता है कई जगह पे यूआई डायनामिकली ऑब्जेक्टिव सी में बनाता जो कि बहुत आउटडेटेड है आप समझ लो कि एक बहुत आउटडेटेड तरीकों से व्यू बना था मैंने वो भी सीखा इवन दो मुझे पता है कि हाँ फ्यूचर में दो तीन साल बाद ये खत्म हो जाएगा शायद स्विफ्ट यू आई में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें लोग आ जाएंगे पर मैंने सीखा दैट्स अ डेफिनेशन ऑफ अ प्रोग्रामर मैंने सीखा मैंने ऐप बनाई मैंने फीचर्स डाले विद इन वन मंथ थर्टी डेज विद इन वन मंथ आई वॉज एबल टू एड टू फीचर्स एंड अराउंड थ्री टू फाइव पग्स इन अ मंथ सो दिस प्रूव्स कि अगर मैं एक महीने में स्टार्टिंग फ्रॉम अ प्रोजेक्ट जो मुझे दे दिया गया विदाउट एनी ऑनलाइन कोर्स हर चीज स्क्रैच सीखी अब मैं बताता हूँ मैंने कौन से कौन से रिसोर्सेज यूज किए सो नंबर वन रिसोर्सेज मैंने यूज किया था लर्न एक्स इन वाई मिनट्स डॉट कॉम तो यहाँ पे आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टडी कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे सिंटेक्स कैसा होता है तो लर्न एक्स इन वाई मिनट्स में मैंने सर्च किया लर्न एक्स इन वाई मिनट्स एंड देन सी प्लस प्लस सी प्लस प्लस हो गया ऑब्जेक्टिव सी क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव सी में था तो मैंने ऐसे करके आई लर्न ऑब्जेक्टिव सी ऑन द स्पॉट एंड आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड सिंटेक्स टू बेयर मैंने थोड़े बहुत डाउट्स थे वो वीडियो कॉल पे थोड़ा बहुत जितना मुझे लगता था कि सही है मैं पूछ सकता हूँ पंद्रह पंद्रह मिनट लेके अपने सीनियर डेवलपर से मैंने सीखे फिर उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जो हो रही थी प्रॉब्लम की हमारे सी प्लस में भी यूज़ होती है सो नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू लर्न सी प्लस प्लस विद ऑब्जेक्टिव हाउ दे आर इंटरक्टिंग उसके लिए भी देर वॉज नॉलेज एक्सचेंज सेशन इन अ कंपनी उसने हेल्प की बट पूरी हेल्प ने की पहले मैंने रिसर्च की जो जो चीजें खुद मिल रही थी वो मैंने समझी जो चीजें नहीं समझ आई वो मैंने नॉलेज एक्सचेंज सेशन में सीखी एंड आई वॉज एबल टू एडिनेशन एंड देन आई वॉज एबल टू एड फीचर्स प्रॉपरली तो मेरा काम रुका नहीं मैं हमेशा क्यूरियस था टू लर्न एंड मैंने इसके लिए जिस जिस से हेल्प हो सके कंपनी में इतने ज़्यादा आई ओ एस होते हैं हर एक को रीच आउट करो हर एक से पंद्रह पंद्रह मिनट ले लोगे ना तो भी शायद डेवलपर्स ख़त्म नहीं होंगे जिनसे आप हेल्प मांग सकते सो दैट्स द रियलिटी और मैं लगी था कि मैं कंपनी में पहले से था तो मुझे थोड़ा सा फ़ायदा हो गया बट आई वॉज एबल टू कॉल माई सेल्फ अ प्रोग्रामर फर्स्ट एंड देन एन आई ओ एस डिवेल्पर क्योंकि अगर आज मुझे कोई और प्रोजेक्ट दे दिया जाए स्विफ्ट में आई कैन प्रोमिस एन आई कैन चैलेंज कि मैं उसमें भी फीचर्स एड कर सकूँगा क्योंकि मैंने किसी ऑनलाइन कोर्स से नहीं सीखा कि हाँ कि स्विफ्ट यू आई में ऐसे यू आई बनता है मैंने सीखा है खुद कि आज किसी भी तरीके का यू आई बनाना हो किसी भी तरीके से आई कैन मेक इट एन आई कैन चैलेंज एड सो दैट्स हाउ आई लर्न अगर आपको सीखना होगा तो आपके लिए मैं कहूँगा कि फर्स्ट टाइम यू कैन डेफिनेटली गो फॉर कोर्सेज विडोज क्योंकि मैंने प्रोग्रामिंग दो तीन साल से की हुई है कॉलेज में भी इवन यू नो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एन्वायरमेंट में कंपनी में भी तो मुझे सेल्फ लर्निंग की आदत है पर आपको शायद ना हो सो दैट्स वाई यू कैन गो टू यूडमी आप मेरा यूडमी पेज देखोगे आई हैव टेकन सो मैनी क्लासेस हमेशा मैं अपने अपने ऊपर इन्वेस्ट करने में शर्माता नहीं हूँ हम कॉलेज डिग्रीज में लाखों रुपये खर्चते हैं पर पांच सौ रुपये एक ऑनलाइन कोर्स मैं खरीदने के लिए बहुत शर्माते हैं पर मैं कभी नहीं शर्माया आप मेरे प्रोफाइल पे देख सकते हो आई हैव टेकन अराउंड थर्टीन कोर्सेज सो फॉर कई कोर्सेज मैंने उनकी ऐप डाउनलोड करने के लिए उन्होंने कैसे ऐप बनाई थी डाउनलोड करके सीख लिया देखा कि खुद सीख सकता हूँ नहीं तो वीडियोज़ देख लूंगा कई कोर्सेज के मैंने वीडियोज़ देखी तो हर कोर्स मैंने ट्राई किया इधर से उधर भागा यूडासिटी भी ट्राई किया यूडेसिटी थोड़ा लंबा लगा यूटमी छोटा लगा तो दैट्स वाई वेंट फॉर यूटमी आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हो एंड रिमेंबर कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख रहे हो पर प्रोग्रामिंग आपको खुद प्रैक्टिस से खुद ही करनी पड़ेगी तभी आप सीखोगे एंड नेक्स्ट स्टेप विल बी टू पिक अ प्रोजेक्ट आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट सर्च करो सो लेट्स से आई सर्च फॉर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स कोई भी प्रोजेक्ट पकड़ो पे पे 21 मीडियम पहला लिंक आ रहा है एंड देन ओवर देयर किसी भी प्रोजेक्ट को गिटअप से डाउनलोड करो और उसमें देखो आप क्या ऐड कर सकते हो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से आपको पता चलेगा कि हाउ इज द कोड स्ट्रक्चर कैसे कैसे कोड लिखा जाता है क्या क्या उन्होंने रूल्स फॉलो किए हैं हर कंपनी के अलग रूल्स होते हैं कि स्टैब स्पेसिस यूज करनी है सिंगल स्पेस यूज करनी है जैसे हमने पहले भी बात किया था एमेजन लीडरशिप प्रिंसिपल्स वाली वीडियो में तो बेसिकली द आइडियाज़ आपको जब आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स ज़्यादा देखोगे जितना बढ़िया बढ़िया कोड आप देखोगे उतनी आपकी फेमिलैरिटी विद गुड लुकिंग कोड इंक्रीज होगी एंड आप वैसे ही कोड अच्छे से लिख पाओगे सो दैट्स द रियलिटी हाउ आई थिंक आई वॉज एबल टू लर्न क्विकली क्योंकि मैं हमेशा अच्छा कोड देखता हूँ अच्छा कोड सुनता हूँ फ्रॉम माई टीम पेज एंड अच्छा कॉल बोल भी लेता हूँ क्योंकि मैं जब टाइप करता हूँ तो बोल भी लेता हूँ अच्छा सुनो अच्छा बोलो अच्छा सुनो दैट्स द रूल आई थिंक जो मैंने फॉलो किया आप भी फॉलो कर सकते हो सो दैल बी इट एंड आई कैन ऑनेस्टली से कि मैं फुल प्रोफेशन आई एस टेवल्पर तो नहीं हूँ पर इतना है कि आज कोई फीचर हो मैं ज़रूर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ विद सम टाइम गिवन क्योंकि मुझे सीखने में थोड़ा सा टाइम चाहिए And I can definitely make it work. So that'll be it for the journey. I hope you enjoyed it. Thank you so much for watching, and I'll see you guys in the next one. Goodbye.